हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे सेरी ए लीग के मैच के बारे में। और यह मैच खेला जाएगा सासुओलो और स्पेजिया सेल्सियो के बीच में। तो दोनों टीम में से आज के मैच में कौन सी टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है और कौन सी टीम एक वीक टीम है, इस टॉपिक पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कौन सी टीम इस मैच को विन करेगी और कितना गोल स्कोर करेगी और किन 11 प्लेयर्स को टीम में लेकर चलना है और किस प्लेयर को कैप्टन और किस प्लेयर को वाइस कैप्टन देना है। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में कंप्लीट दी जाएंगी, आप वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए अब हम इन दोनों टीम की पहले पॉइंट टेबल, उसके बाद हम दोनों टीम के हेड टू हेड मैचेस, उसके बाद हम दोनों टीम के रीसेंट फॉर्म पर भी नज़र डालेंगे। तो पहले पॉइंट टेबल पर, तो गाइस सासुओलो पॉइंट टेबल में सेरी ए लीग में 13 पोजीशन पर, वहीं पर बात करें स्पेजिया सेल्सियो फिलहाल के टाइम पर 17 पोजीशन पर। तो दोनों टीमों जो पोजीशन है ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आपको बराबर से ही देखने को मिलेगा, हल्का सा इन दोनों टीमों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात आती है कि दोनों टीम में से हम किस टीम को आज के मैच में एक फेवरेट यानी एक स्ट्रॉन्ग टीम मान चलें। तो मैं इस मैच में दोनों टीम को इक्वली मान के चला हूं। अगर हल्का सा फेवरेट टीम मान के चला किसी को तो यहां पर आप सासुओलो को फेवर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये मैच इस टीम के होम ग्राउंड में और इस टीम का रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा बेहतर है, तो इसीलिए मैं सासुओलो को एक स्लाइटली फेवरेट टीम मान के चलता हूं। लेकिन हम बात करेंगे जब दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं कि दोनों तरफ से किस तरह का रिजल्ट देखने को मिलता है। तो गाइस दोनों टीम के बीच में लास्ट 6 हेड टू हेड मैच खेले गए, 6 में से 3 मरतबा सासुओलो इस टीम के सामने मैच विन किए, 2 मैच ड्रॉ भी खेले, 1 मैच लॉस किया। अटैक 2.3 है, डिफेंस 1.3 है। अटैकिंग परफॉर्मेंस देखा जाए सासुओलो के इस टीम के सामने काफी बेहतर है और डिफेंस देखा जाए तो हर मैच में कहीं ना कहीं गोल कंसीड भी कर देता है, लेकिन अधिकतर मैचेस सासुओलो ही विन करती है। अब हम बात करें जो पिछला मैच दोनों टीम बीच में खेला गया, दोनों टीम ने अटैकिंग ड्रॉ खेला, दोनों तरफ से गोल हुए, दोनों टीम ने दो दो गोल कंसीड किए, लेकिन उसे मुकाबले फिर स्पेजिया इस टीम के सामने खेली और 4-1 से सासुओलो उस मैच को विन कर गई। लेकिन वो मैच सासुओलो ने अपना होम में इस टीम के सामने खेले, 4 गोल किए लेकिन 1 गोल स्पेजिया ने भी किया। और उसे मुकाबले फिर इन दोनों टीम बीच में और मैच खेला गया, उस मैच को दोनों टीम ने अटैकिंग ड्रॉ खेले, 2-2 गोल किए, डिफेंस से 2-2 गोल कंसीड किए। तो रिसेंटली जो 3 मैचेस में रिजल्ट देखने को मिला है वो काफ़ी हाई स्कोरिंग मिला, मतलब जब भी दोनों टीम आपस में खेलती है तो कम से कम 4-5 गोल तो एक दूसरे के सामने कर ही देती हैं और डिफेंस से भी गोल कंसीड कर देती है। और उससे पहले 3 मैच में रिजल्ट आप और चेक कर सकते हो, एक ही मैच ऐसा गया जब सासुओलो इस टीम सामने वन साइड मैच को विन कर गई हुई, बल्कि 2 मैच ऐसे गए जब दोनों टीम ने बराबर से डिफेंस से गोल कंसीड किए और रिजल्ट अधिकतर स्पेजिया के बल्कि सासुओलो के फेवर में आया है। तो हेड टू हेड में सासुओलो एक मजबूत टीम देखने को मिलती है। लेकिन हम बात करेंगे दोनों टीम का करंट फॉर्म किस प्रकार का है। यह हेड टू हेड में देखने को मिलता है कि जब भी दोनों टीम आपस में खेलती है हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलता है और बोथ टीम टू स्कोर होने के चांसेस 95% देखने को मिलते हैं। ओके, करंट फॉर्म देखते हैं। तो दोस्त सासुओलो करंटली 6 मैच खेले, 6 में से 4 मैच विन करिए, 1 मैच ड्रॉ खेले, 1 मैच लॉस किए। अटैक 1.8 है, डिफेंस 1.5 है। अटैक देखा जाए तो बहुत बेहतर है, डिफेंस देखा जाए तो हर मैच में ये टीम गोल कंसीड भी कर देती है। अब हम बात करें जो पिछला मैच सासुओलो रोमा के सामने 4-3 से विन कर गई, इस टीम ने 4 गोल किए, डिफेंस से 3 गोल कंसीड किए। फिर क्रीमोनीज के सामने टीम 3-2 से विन किए, 3 गोल किए लेकिन डिफेंस से वहां पर भी 2 गोल कंसीड किए। और एक मैच इस टीम ने लेसी के सामने 1-0 से मैच को विन किया। तो रिसेंटली जो 3 मैच में अगर इस टीम का परफॉर्मेंस देखा जाए अटैकिंग परफॉर्मेंस बहुत मजबूत है और डिफेंस देखा जाए तो कहीं ना कहीं गोल कंसीड कर देता है। और उसके मुकाबले नापोली के सामने जरूर हारी है 2-0 से और उसके मुकाबले 2-2 से ड्रॉ भी खेले और एक मैच ये टीम 1-0 से विन भी किए। तो करंट फॉर्म सासुओलो का काफी बेहतर है, अटैक से भी और डिफेंस से भी कहीं ना कहीं गोल कंसीड कर देती है। तो अब हम बात करते हैं स्पेजिया का करंट फॉर्म किस प्रकार का है। तो गाइस स्पेजिया करंटली 6 मैच खेले, 6 में से 1 मैच विन किए, 3 मैच ड्रॉ खेले, 2 मैच लॉस किए। अटैक 1 है, डिफेंस 1.7 है। अटैकिंग परफॉर्मेंस देखा जाए तो आप इतना बेहतर नहीं कर सकते, बल्कि एवरेज है। डिफेंस देखा जाए थोड़ा सा गंदा देखने को मिलता है, तभी तो इसने 2 मैच लॉस किए हैं। अब हम बात करें जो पिछला मैच इंटर मिलान के सामने 2-1 से विन कर गई, 1 गोल किया इंटर मिलान ने लेकिन 2 गोल कंसीड किए और मैच को स्पेजिया विन की। पिछला मैच वेरोना के सामने डिफेंसिव ड्रॉ खेली, 2 गोल मतलब गोल तक नहीं आया। और एक मैच उडिनीज के सामने टीम 2-2 से ड्रॉ खेली, उसके मुकाबले जुवेंटस के सामने हार गई, 2-2 से ड्रॉ एम्पोली के सामने खेली, 3-0 से नापोली के सामने हार गई। तो बड़ी टीम के सामने इस टीम का भी स्ट्रगल आया है, मतलब गोल कंसीड किया बल्कि अटैक से गोल नहीं आया, बल्कि और मैच इसमें इस टीम का गोल आया भी है और डिफेंस से गोल कंसीड किया भी है। तो इस तरह स्पेजिया का करंट फॉर्म देखने को मिलता है। तो फाइनली गाइज अब बात आती है कि अब इन दोनों टीम का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। मतलब सबसे पहले हमने दोनों टीम की पॉइंट टेबल पर नजर डाली, फिर हमने दोनों टीम के हेड टू हेड मैचेस पर नजर डाली, फिर हमने दोनों टीम के रीसेंट फॉर्म पर भी नजर डाली। अगर हम तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर कर लें कि कौन सी टीम का इन तीनों फॉर्मेट में मजबूत परफॉर्मेंस रहा, तो पॉइंट टेबल का अकॉर्डिंग सासुओलो
एक पोजीशन पर हल्की सी सेफ है, लेकिन सब जगह की पोजीशन काफ़ी डाउन है। इस लीग की बॉटम टीम कह सकते हो, मतलब रेलिगेशन टाइम पर है, जोन पर है। हेड टू हेड में देखा गया है कि 716 जब भी टीम साउंड मैच खेलती है, अधिकतर मैच या तो विन करती है या ड्रॉ खेलती है, लेकिन मैच को अधिकतर 716 लॉस ही करती है, मतलब सपेजस लॉस करती है, लेकिन दोनों टीम तरफ से चांसेस ज़्यादा रहते हैं गोल आने के। रिसेंट फॉर्म देखा जाए 716 जो परफॉर्मेंस है अटैकिंग तो बहुत अच्छा है, लेकिन डिफेंस गोल कंसीड कर देता, वहीं पर सपेजे का परफॉर्मेंस अटैक इतना बेहतर नहीं है, बल्कि डिफेंस काफ़ी गंदा है। तो तीनों फॉर्मेट में आपको दोनों टीमें इक्वल ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि दोनों तरफ से गोल आते भी हैं, डिफेंस गोल कंसीड किए भी जाते हैं। तो फाइनल गाइज अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो मेरा तो मानना यह है दोस्त, इस मैच में कम से कम 716 इस टीम के सामने दो गोल तो कर देगी और एक गोल कंसीड भी कर सकती है, क्योंकि डिफेंस इतना बेहतर है नहीं है सपेजैक, मतलब 716 का 716 जब भी इस टीम सामने खेलती मैच को मैच में गोल कंसीड कर ही देती। तो इसलिए मैंने प्रेडिक्शन किया इस मैच को 2-1, मतलब दो बोथ टीम टू स्कोर। अब बोथ टीम टू स्कोर के हिसाब से क्या हमारी टीम बनेगी, कौन कौन से प्लेयर हमारी टीम में रहेंगे, किस प्लेयर को कैप्टन, किस प्लेयर को वाइस कैप्टन देना, ये सारी जानकारी अब आपके लिए आगे चलकर कंप्लीट दी जाएंगी। आप वीडियो को अगर बने रहोगे तो इतना बता सकते हो, आप बेहतर तरीके से खुद की टीम बना सकते हो। अब बात करते हैं, अभी तक हमने टीम को लेकर बात की, अब हम प्लेयर्स को लेकर बात करेंगे कौन कौन से बेस्ट प्लेयर रहेंगे आज के मैच में। तो चलिए उन पर हम नज़र डालते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस चैनल पर हर रोज ऐसे ही मिलती रहेगी। तो बेल आइकन को ऑन करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी कंटिन्यू आता रहे हमारा जब भी हम वीडियो अपलोड करें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। बात करते हैं सीधे मुद्दे की, प्लेयर वाइज की कौन से प्लेयर ने कितना गोल कितना असिस्ट किए। तो हम नज़र डालते हैं सबसे पहले 716 के प्लेयर्स पर, फिर हम नज़र डालते हैं सपेजे के प्लेयर्स पर कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो पहले 716, तो गाइस 716 की तरफ से इस सीजन में हाईएस्ट गोल अर्मांड लोरिएंट, इस टीम के लिए इसने 7 गोल किए हैं और इसका परफॉर्मेंस रिसेंटली अच्छा आया। डेविड फ्रेस्टेसी जिसने इस टीम के लिए 6 गोल किए हैं, मैं बेरार्डी को पहली चॉइस मानता हूँ इस टीम तरफ से। अगर खेलेगा तो भैया ऐसा प्लेयर है जो अपने दम पर हैट्रिक तक करता है और पेनल्टी भी यही लेता है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन बेस्ट विकल्प रहेगा आपके लिए आज के मैच में अगर ये खेलता है। ओके, फिर यहाँ से एंड्रिया पिनामोंटी है इस टीम के लिए, इसने 4 गोल किए, 1 गोल पेनल्टी में। मैथिस हैनरिक है, डिफेंसिव वर्क करता है, गोल का चांसेस लेस रहते हैं, कभी कभी लॉन्ग शॉट से गोल कर देता है। बाकी जितने और प्लेयर्स हैं उन सभी का आपके सामने रिकॉर्ड है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन इनमें से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं वो आपको टॉप पर देखने को मिले, अर्मांड, डेविड और यहां से बेरार्डी। ये 3 वो प्लेयर्स हैं जिनको आज के मैच में हम ड्रॉप नहीं कर सकते, और हमें देखा है कि जब भी दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं तो बोथ टीम टू स्कोर, मतलब एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलता है। तो हाई स्कोरिंग में तो इनका कंट्रीब्यूशन आना ही आना। ओके, बाकी का आपके सामने रिकॉर्ड है। अब हम बात करते हैं वो कौन से प्लेयर्स टीम के लिए जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, और आप जानते हो फैंटेसी में एक असिस्ट को 20 पॉइंट मिलते हैं, तो असिस्ट वाले प्लेयर्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इनका रिकॉर्ड। तो असिस्ट में देखा जाए तो यहाँ से अर्मांड लोरिएंट गोल में 7 है, 6 असिस्ट हैं, बेरार्डी है 5 असिस्ट निकाल चुका, यहाँ तक हामिन जूनियर टोरेर है जिसने इस टीम के लिए 3 असिस्ट किए हैं, रोजेरिया को 2 असिस्ट आए जो कि डिफेंडर है। आप लो स्कोरिंग मैच में आप उम्मीद कर सकते हैं इससे कैप्टन वाइस कैप्टन बना, क्योंकि डिफेंस वर्क अच्छा कर लेता है। फिर बाकी यहाँ पर जितने और प्लेयर्स उन सभी का एक एक असिस्ट है, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन फिर से आपको वही प्लेयर बराबर में देखने मिलेंगे और इन्हीं प्लेयर्स को आप अपनी टीम में लेकर चलना। ओके, अब हम बात करते हैं इस मैच का दूसरी टीम है जो यहाँ पर उसके जो प्लेयर्स उनका बन के कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो हम नज़र डालते हैं सपेजे के प्लेयर्स पर भी। तो गई सपेज एक तरफ से इस सीजन में जो हाइट गोल्डर एम्बाला जोला जिसने 2 गोल किए 3 गोल पेनल्टी में, मतलब 12 गोल किए 3 गोल पेनल्टी में, ये इस टीम तरफ से अभी तक का टॉप हाइट गोल टेकर है। अब आप यहां से बाकी सभी प्लेयर्स का रिकॉर्ड भी देख सकते हो, जैसे कि बास्टोनी का आए हैं 2 गोल, यहां पर डेनियल मेल्दिनी का 2 गोल आए हैं, डेनियल वर्डे का 2 गोल आए हैं, लेकिन 1 गोल वर्डे ने पेनल्टी में किया। अगर जल्दी सब्स्टिट्यूट ये हो जाता तब पेनल्टी कौन लेगा, वर्डे, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। बाकी का आप सामने रिकॉर्ड है। गयासी है, एक बेहतर प्लेयर है, लेकिन डिफेंसिवर कितना कर लेता है, लेकिन गोल का चांसेस रहता है, लेकिन असिस्ट प्रोवाइड करता है, गोल पर इतना ज़्यादा फोकस अभी तक आए नहीं। तो यहां पर जो आपको सिलेक्टेड प्लेयर है, एम्बाला जोला एक बेहतर प्लेयर है, और यहां से बास्टोनी एक बेहतर है, और बाकी यहां पर वर्ल्ड बहुत अच्छा है, लेकिन रिसेंटली परफॉर्मेंस नहीं आया। अब हम बात करते हैं असिस्ट वाले कौन से प्लेयर है, तो नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। असिस्ट का आप रिकॉर्ड देख सकते हो, हर एक प्लेयर्स का 2-2 असिस्ट है, जोला का असिस्ट है, बास्टोनी का असिस्ट है, एक दल तो इस मैच में खेलेगा नहीं। यहां से बोरीबा जो कि 2 असिस्ट, बाकी कई एक असिस्ट, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। यहाँ पर वही प्लेयर्स आपको बार बार देखने मिलेंगे और इन्हीं प्लेयर्स को अपनी टीम में लेकर चलना। इम्पाडू भी एक बेहतर है लेकिन चांसेस लेस हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इस मैच की स्कोरलाइन प्रेडिक्शन, मैंने सही रखी है 2-1, क्योंकि 1 गोल आने का चांसेस टीम तरफ से और 2 गोल यहाँ पर
मतलब सासोलो की तरफ से। तो इसलिए मैंने प्रेडिक्शन के हिसाब से इस मैच में क्या टीम रहेगी वो आपको मैं आगे बताऊंगा, कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी बताऊंगा जब हम टीम बनाएंगे। तो चलिए अब हम टीम ही बना लेते हैं। पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ओके। अब हम बात करें गोलकीपिंग सेक्शन में, एक चीज़ तो हमारे पास क्लियर है कि सासोलो एक मजबूत टीम है। अगर मजबूत टीम ये है तो इसका मतलब अटैक ज़्यादा बनाएगी। अगर अटैक ज़्यादा बनाएगी तो गोलकीपर सेक्शन में हमें सपेजे का गोलकीपर पिक करना, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब गोल बचाएगा। तो सपेजे का हम टीम में जो गोलकीपर उन्हीं को पिक कर चल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ड्रागोविच की हमारी टीम में एज ए गोलकीपर चॉइस रहेगा। अब सिलेक्शन यहाँ पर कौन सीगली का है आप चाहे पिक कर सकते हो सिलेक्शन के हिसाब से, लेकिन मैं लॉजिक के हिसाब से पिक कर रहा हूँ। अब हम बात करें डिफेंडिंग सेक्शन में, तो इसमें रोजेरियो पहली चॉइस है क्योंकि दो असिस्ट निकाल चुका है इस टीम के लिए और प्रोवाइड करता है डिफेंसिव वर्क। तो ऐसे प्लेयर को हम ड्रॉप नहीं कर सकते। इम्पार्डो खेलेगा तो हमारे लिए बेहतर ऑप्शन है क्योंकि डिफेंसिव वर्क बहुत अच्छा कर लेता है, उस कंडीशन में आप नहीं भी रख सकते हो। लेकिन हम टीम सासोलो की तरफ से मैक्सिमम डिफेंडर लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये डिफेंसिव वर्क अच्छा कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर कोई इम्पार्डो मैंने बताया कि ये डिफेंसिव वर्क करता है, 20-15 पॉइंट दे जाएगा बिना गोल के, बाकी चांसेस बहुत कम रहते हैं। बाकी कोई खास प्लेयर है नहीं, एक प्लेयर है जिसका मैं आपके लिए बता दूं, वो है कैलडारा। अगर खेलता है तो सपेजे की तरफ से कहीं ना कहीं ये भी एक बेहतर ऑप्शन है, डिफेंसिव वर्क करता है प्लस कभी कभी गोल असिस्ट में कंट्रीब्यूशन आ जाता है। बाकी यहाँ पर कोई खास है नहीं जिनके मैं आपको क्लियर बताऊँ कि ये बेहतर है, और कोई नहीं, ओके। अब हम बात करें यहाँ से मिड में, तो हमारा डेविड मेरी पहली चॉइस रही क्योंकि हम जानते हैं कि सपेजे की तरफ से सेकंड हाइस्ट गोल टेकर है, लॉरेंटी इस टीम तरफ फर्स्ट हाइस्ट गोल टेकर, तो कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। मैथे हेनरे को मैं अभी के लिए पिक नहीं कर चल रहा हूँ, लोपेज को नहीं करूँ क्योंकि ये वो प्लेयर्स हैं जो बिना गोल के 20-20 पॉइंट देते हैं, तो आप इन्हें रख सकते हो ग्रैंड लीग में। फिर यहाँ से नदीम बाजार में खेलने के चांस लेस हैं इसलिए नहीं पिक करेंगे। और यहाँ से बोरबिया आप ट्राई कर सकते हो, मैं अभी के लिए जो पिक करने वाला हूँ वो काफ़ी नीचे है। और यहाँ पर देखो इसका भी जो है मतलब पोजीशन रहती है वो डिफेंस को लेकर अच्छी रहती है, लेकिन मैं टीम में गयासी को लेकर चल रहा हूँ, गयासी के इंपॉर्टेंट प्लेयर है तो इनको जगह देना सही रहेगा। एक दल है खेलने का चांस लेस है, बाकी यहाँ बास्टोनी है, मैं इनको पिक कर रहा हूँ क्योंकि इस टीम के लिए इसने परफॉर्मेंस किया है, 2 गोल और 2 असिस्ट में इसका कंट्रीब्यूशन आया हुआ है। बाकी यहाँ पर कोई खास है नहीं, अगर कोई होता तो मैं आपके लिए ज़रूर बताता क्योंकि लाइनअप के हिसाब से ही तो मतलब पॉसिबल लाइनअप क्या हो सकता है उसके हिसाब से मैंने आपको प्लेयर्स के बारे में डिटेल्स जानकारी दी है। अब हम बात करें फॉरवर्ड सेक्शन में, तो यहाँ पर आपके सामने पहली चॉइस बराडी है, वो सही बात है कि इसका 5 गोल आए लेकिन ये अपने दम पर मैंने बताया ना कि कुछ भी कर सकता, तो इसलिए एम्बालाजोला एक बेहतर प्लेयर है क्योंकि इस टीम तरफ से यही पेनल्टी प्लस टॉप 5 गोल टेकर। अब डैनियल वर्डे को लेना आपको इसे पिक लो, डेफरल लेना डेफरल लो, पिनामोंटी को लेना पिनामोंटी को लो, क्योंकि यहाँ पर ना आपके पास बाकी कोई ऑप्शन है नहीं क्योंकि इनमें से कोई चांसेस बनता ही नहीं। हम अपनी टीम में अभी के लिए जो पिक करने वाले हैं सासोलो की तरफ से पिनामोंटी को लेकर चलते हैं क्योंकि एम्बालाजोला को तो हमने पिक कर लिया, बाकी यहाँ पर कोई चांसेस और नहीं। तो ये हमारी टीम है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट भी कर जाएगी, लेकिन ये डेमो टीम है क्योंकि फाइनल टीम तो लाइनअप आने के बाद प्लेयर की पोजीशन देखते हो कि कौन सा प्लेयर 90 मिनट खेलेगा, कौन सा प्लेयर अटैकिंग पोजीशन पे, उसके हिसाब से फाइनल टीम मिलती है क्योंकि फुटबॉल में पॉइंट वैसे अलग आते हैं, अगर गोल नहीं करे वो बात अलग, लेकिन डिफेंस से पॉइंट बहुत आते हैं, तो उसके हिसाब से फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल में जल्दी। कैप्टनसी की बात की जाए तो अभी के लिए कैप्टनसी हम अपनी टीम में बेराटी को देंगे क्योंकि मैं जानता हूँ इसका पेनल्टी के चांसेस रहेंगे प्लस इसका डिफेंस वर्क भी आ जाता है और एक बेहतर प्लेयर है। और वाइस कैप्टन अभी के लिए एडम लोरेंटो को मैं देना हुआ, तो अभी के लिए मेरी टीम का प्रीव्यू है, लेकिन इसमें कोई चेंजेस होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर बाय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इतनी गुजारिश आपसे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि फैंटेसी प्रेडिक्शन आपके लिए इसी चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्त अगर आप चाहे तो जोला को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते, जैसे मैंने बताया इस टीम तरफ से टॉप 5 गोल टेकर इसी कर सकता है गोल, लेकिन मुझे ज़्यादा इन पर भरोसे इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने इसका करंट फॉर्म देखा, इस टीम का काफ़ी अटैकिंग खेली है टीम और कहीं ना कहीं एक या दो दो गोल कर सकते हैं प्लेयर, तो इसलिए मैं इनको कैप्टन वाइस कैप्टन दिया। जोला को आप चाहे तो अपनी टीम में रख सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन, आप पर कोई दबाव नहीं है, ये मेरी जो टीम है वो मेरे अपने नॉलेज के हिसाब से बेहतर है, लेकिन कोई चेंजेस होगा तो वो भी मैं आपको अपडेट कर दूँगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।